फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का रवा माली साल की पहली सैमाही में रेवेन्यू हसूल कीमत में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा। एफबीआर ने पहली मरतबा रवा साल की पहली सैमाही में 1 खरब से ज्यादा रेवेन्यू हासिल कर लिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इब्तदाई अदाद व शुमार के मुताबिक एफबीआर ने पहली सहमाही में 1004 अरब रुपए का नेट रेवेन्यू हासिल किया, जबकि मुकर्रर हदफ 970 अरब रुपए था। इस तरह 34 अरब रुपए का इजाफा हासिल हुआ। रवा माली साल की पहली सहमाही में इनकम टैक्स की मद में 358 अरब रुपए हासिल हुए। सेल्स टैक्स से हासिल करदा रेवेन्यू 426 अरब, फेडरल एक्साइज ड्यूटी 56 अरब और कस्टम्स ड्यूटी 164 अरब रहा। एफबीआर ने पहली मरतबा साल की पहली सहमाही में ग्रॉस और नेट रेवेन्यू 1 खरब से जायद इकट्ठा किया है। सहमाही का कुल ग्रॉस रेवेन्यू 1052 अरब रुपए है। रिकॉर्ड हासिल होने वाले रेवेन्यू के बावजूद रवा माली साल की पहली सहमाही में 48 अरब रुपए के रिफंड जारी हुए हैं, जबकि पिछले साल जारी करदा रिफंड 26.5 अरब रुपए के थे। रिफंड इजाफे की बदौलत माशी सरगर्मियों में बेहतरी आई है। कोरोना वबा के बाईस मईशत की सुस्त रवि और हुकूमत के फाइनेंस एक्ट 2020 में टैक्सेस और ड्यूटीज की मद में खातिर खा टैक्स रिलीफ देने के बावजूद एफबीआर ने काबिले तहसीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। एफबीआर तजारती आसानी की फराहमी के लिए ऑटोमेशन, ई ऑडिट और तरीका कार सहल बनाने के लिए हम वक्त कोशा है। एफबीआर करप्शन, हरासानी और इख्तियार के गलत इस्तेमाल के तदारक के लिए 100 अफसरान और अहलकारों को मुअत्तल भी कर चुका है।